आगे अपने चर्चा कर रहे थे आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति की, यानी जो आर्थिक जो सिद्धांत दिए गए हैं, फाइनेंशियल प्रिंसिपल जो दिए गए हैं, उन फाइनेंशियल प्रिंसिपल के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, यानी आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। यानी मनुष्य के अलावा जितने भी जो जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे उनका अध्ययन नहीं होगा, केवल किसको रखा जाएगा, केवल है मानव क्रियाओं को। दूसरी अगर अपने बात करें सामाजिक मनुष्य का अध्ययन, सामाजिक मनुष्य के अध्ययन से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो किसी न किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया से क्या है जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज का वह हिस्सा वह भाग जो किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया से जुड़ा है वो इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके बाद में तीसरे की बात करूं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, यानी आर्थिक जो सिद्धांत है वो केवल आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ, गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, केवल आर्थिक क्रियाओं को इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा शामिल किया जाएगा। चौथा दिया गया आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा, यानी किसी व्यक्ति विशेष के कार्य का निर्धारण उसकी आय के आधार पर किया जाता है। जो ज़्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं या वेतन प्राप्त करते हैं उनकी आर्थिक क्रियाएं उतनी ज़्यादा श्रेष्ठ होंगी, जितने ज़्यादा कम प्राप्त करते हैं उनकी आर्थिक क्रियाएं उतनी ही कम होगी। यानी आर्थिक क्रियाओं के मापदंड का जो आधार है उनका आधार क्या है मुद्रा, यानी किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया के मापदंड की अगर अपने बात करें तो उसका आधार क्या रहेगा मुद्रा रहेगा। जिस प्रकार एक डॉक्टर के लिए उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उसके द्वारा कमाया गया धन यानी मुद्रा, एक टीचर के लिए उसके वेतन, एक डॉक्टर का वेतन, या इसके अलावा किसी सफाई कर्मचारी का वेतन, या विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जिनके अंतर्गत उनकी आर्थिक क्रियाओं का आधार उनकी मुद्रा के आधार पर लगाया जाता है तो वो चीज़ आपके किसके अंतर्गत आएगी आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। तो आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या है आर्थिक क्रियाओं का जो मापदंड है वो क्या है मुद्रा। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों, यानी अर्थशास्त्र जो है वो क्या है से लेकर क्या होना चाहिए दोनों को सम्मिलित करता है, क्या है से लेकर क्या होना चाहिए दोनों चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं, इसलिए इसे विज्ञान और कला कहा जा सकता है। अंतिम रूप से अपने बात करेंगे लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का रहता है वो रहता है विवेकशील प्रत्याशाएं। विवेकशील प्रत्याशाओं का मतलब होता है, विवेकशीलता का मतलब होता है सोच समझ कर अच्छे तरीके से किसी प्रकार का कोई फैसला लेना, सोच समझ कर जान परख कर किसी क्षेत्र के बारे में जब अपने फैसले लेते हैं किसी प्रकार के अनुमान लगाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं विवेकशील प्रत्याशाएं कहा जाता है। नव क्लासिकवाद जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंतर्गत आप लोगों के जो समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके अंतर्गत इसका जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब नव क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है विवेकशील प्रत्याशाएं। विवेकशील प्रत्याशाओं का मतलब क्या हो गया कि भविष्य निधि योजना को ध्यान में रखकर जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले किस में आएंगे आप लोगों के विवेकशील प्रत्याशा के नाम से उसे जाना जाता है। इसे रेटिकस परिकल्पना के नाम भी दिया जाता है। जिस प्रकार बाजार के अंतर्गत एक आर्थिक एजेंट का काम क्या होता है, आर्थिक एजेंट का कार्य होता है बाजार की गतिविधियों को निगरानी रखना, किन वस्तुओं के बाजार में मांग अधिक है, किन वस्तुओं से लाभ अधिक प्राप्त हो रहा है, कौन से क्षेत्र में हानि हो रही है, सरकार के अंतर्गत पिछले समय कितना कुछ रहा, आगे आने वाली सरकारें क्या उपलब्ध करवाएंगी, इन सभी का अनुमान अगर लगाया जाता है तो वो क्या कहलाती हैं विवेकशील प्रत्याशाएं कहलाती है। यानी यथास्थिति को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन करके अगर जो फैसले लिए जाएंगे वो फैसले क्या कहलाएंगे विवेकशील प्रत्याशाएं कहलाएंगी। यानी लाभ और हानि दोनों को ध्यान में रखा जाएगा, बाजार की स्थिति के बारे में ध्यान में रखा जाएगा। जिस प्रकार सर्वे करते हैं उस सर्वे का उद्देश्य क्या होता है किसी क्षेत्र की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, उसी प्रकार आर्थिक एजेंट जो एक फर्म के लिए कार्य करता है वो बाजार की यथास्थिति का अध्ययन करेगा और उस यथास्थिति के आधार पर एक उत्पादक को उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा। जिन चीज़ों की बाजार में मांग अधिक होगी उनका उत्पादन किया जाएगा, जिनकी बाजार मांग कम होगी उनका उत्पादन नहीं किया जाएगा। तो इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति विशेष जो एक आर्थिक एजेंट के रूप में क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो अपने
निजी अध्ययन के आधार पर जो कार्य करेगा, जो अनुमान लगाएगा, वो अनुमान क्या कहलाता है? विवेकशील प्रत्याशाएँ कहलाते हैं। ये आप लोगों का चैप्टर था, व्यष्टि और समष्टि से जुड़ा हुआ, वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान से जुड़ा हुआ, और आर्थिक विश्लेषण के साथ साथ जो आप लोगों के विवेकशील प्रत्याशाएँ थी, उन विवेकशील प्रत्याशाओं से जुड़ा हुआ चैप्टर था। ये चैप्टर आपका यहीं पर कम्प्लीट होता है। धन्यवाद।